इस अध्याय में हम पढ़ेंगे गणितीय आगमन का सिद्धांत। आगमन का अर्थ होता है किसी स्थितियों या तथ्यों का व्यापकीकरण या फिर जनरलाइजेशन। गणित में बीजगणित, त्रिकोणमिति या फिर और गणित की अन्य शाखाओं में कुछ सूत्र होते हैं जिसे धन पूर्णांक n के पदों में व्यक्त किया जाता है। इन सभी सूत्रों को सिद्ध करने के लिए एक विशिष्ट सिद्धांत का उपयोग किया जाता है जिसे गणितीय आगमन के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो इस अध्याय में हम देखेंगे गणितीय आगमन का सिद्धांत क्या है, कितने अलग अलग चरणों में यह प्रक्रिया पूर्ण होती है, और फिर उन चरणों की सत्यता के बाद हम उसे कहेंगे कि यह सूत्र सत्यापित हुआ। उदाहरण के तौर पर यदि हम देखें, घर में चावल पकाया जाता है और उसे टेस्ट करने के लिए आप किसी एक दाने को रैंडम उठा करके देखें, और अगर एक दाना पक चुका है तो आप यह कहते हैं कि पूरा खाना पक चुका होगा। तो इसी प्रकार गणितीय आगमन के सिद्धांत में एक एक स्टेप में जा करके हम कुछ कुछ तथ्यों को चेक करेंगे, और वह पूर्ण हो जाने के बाद हम यह कहेंगे कि वह सूत्र n के सभी मानों के लिए सत्य है। आइए देखते हैं इससे संबंधित कुछ अवधारणाएं और फिर इससे संबंधित प्रश्न। मान लीजिए कि हम प्राकृत संख्याओं 1, 2, 3, 4 अप टू n के योग के लिए सूत्र प्राप्त करना चाहते हैं, अर्थात एक सूत्र n इक्वल टू 2 के लिए 1+2 मान देता है, n इक्वल टू 3 के लिए 1+2+3 का मान देता है, और इसी प्रकार n इक्वल टू 4 के लिए 1+2+3+4 मान देता है। अब हम मान लेते हैं कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का सूत्र 1+2+3 अप टू n ये इक्वल टू होगा n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 सत्य है। हम निश्चित ही n के इच्छानुसार चाहे गए धन पूर्णांक मानों के लिए कथन को सत्यापित कर सकते हैं, परंतु n के सभी मानों के लिए इस प्रक्रिया से सूत्र को सत्यापित नहीं कर सकते हैं। इसके लिए यह आवश्यक है कि एक बार किसी धन पूर्णांक के लिए सूत्र सिद्ध हो जाने के बाद आगामी धन पूर्णांकों के लिए सूत्र निरंतर अपने आप सिद्ध हो जाए। गणितीय आगमन विधि द्वारा इस प्रकार की क्रिया श्रृंखला को समझा जा सकता है। गणितीय आगमन के मूल सिद्धांत, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। यदि कोई कथन Pn प्राकृत संख्या n के लिए कहा गया है तो यह कथन सभी प्राकृत संख्याओं के लिए सत्य होगा। यदि अब इसमें कुल मिलाकर के 3 चरण है, जिसमें पहला हम n इक्वल टू 1 के लिए इसकी सत्यता की जांच करेंगे, दूसरे चरण में हम यह मानेंगे कि यह n इक्वल टू m के लिए यह कथन सत्य है, और तीसरे चरण में हम यह परीक्षण करेंगे कि क्या यह कथन n इक्वल टू m प्लस 1 के लिए सत्य है। अगर यह सत्य होता है तो हम यह कहेंगे कि गणितीय आगमन के सिद्धांत के अनुसार दिया गया जो सूत्र है वह सत्य है। स्टेप में हम लिखेंगे कि P(1) सत्य है, अर्थात दिया हुआ कथन n इक्वल टू 1 के लिए सत्य है। दूसरा, P(m) सत्य है तो P(m+1) सत्य है, अर्थात यदि दिया हुआ कथन n इक्वल टू m के लिए सत्य मान लिया जाए तो यह कथन n इक्वल टू m+1 के लिए भी सत्य है। इसे कभी कभी आगमन का चरण कहा जाता है या इंडक्शन स्टेप भी कहते हैं। इस आगमन के चरण में n इक्वल टू m के लिए कथन सत्य है की अभिधारणा आगमन परिकल्पना कहलाती है। अब हम कुछ निम्न उदाहरण पर विचार करते हैं। 1 इक्वल टू 1 स्क्वायर इक्वल टू 1, 4 इक्वल टू 2 का स्क्वायर इक्वल टू 1+3, 9 इक्वल टू 3 स्क्वायर इक्वल टू 1+3+5, और 16 इक्वल टू 4 का स्क्वायर इक्वल टू 1+3+5+7 इत्यादि। इस उदाहरण में हम देखते हैं कि दो विषम प्राकृत संख्याओं का योग द्वितीय प्राकृत संख्या 2 का वर्ग है, प्रथम 3 विषम प्राकृत संख्याओं का योग तृतीय प्राकृत संख्या 3 का वर्ग है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 1+3+5+7 अप टू 2n-1 = n2। यहां स्पष्ट है कि प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल n का वर्ग है। अतः हम मानते हैं कि P(n) 1+3+5+7 अप टू 2n-1 = n2। अब हम सिद्ध करेंगे कि P(n)
n के सभी मानों के लिए सत्य है। गणितीय आगमन के सिद्धांत के प्रथम चरण में p of 1 को सत्य सिद्ध करते हैं। इस चरण को मूल चरण कहते हैं। तो स्पष्ट है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 1 है और राइट हैंड साइड 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1, अर्थात p of 1 जो है यह सत्य है। अगला चरण आगमन चरण कहलाता है। अब हम मानते हैं कि p of k सत्य है जहां k प्राकृत संख्या है। अब हमें p of k plus 1 की सत्यता सिद्ध करने की आवश्यकता है क्योंकि p of k सत्य है। तो p of k जो स्टेटमेंट है, जो p of k जो कथन है वह है 1 plus 3 plus 5 up to 2k minus 1 equal to k square। अब p of k plus 1 पर विचार करते हैं। तो p of k plus 1 अर्थात इसमें हम एक पद और जोड़ रहे हैं, k के स्थान पर हम k plus 1 ले रहे हैं। तो ये होगा 1 plus 3 plus 5 up to 2k minus 1 plus 2 into k plus 1 minus 1। सरल करने पर आपको मिल जाएगा k square plus 2k plus 1। और आप यह जानते हैं कि यह k plus 1 का होल स्क्वायर का विस्तार है। तो स्पष्ट है कि p of k plus 1 सत्य है। और अब आगमनिक उपपत्ति पूर्ण हुई, अतः सभी n प्राकृत संख्याओं के लिए p of n जो कथन है यह सत्य है। आइए इसकी कार्यविधि देखते हैं। तो इसका चरण पहला है कि दिए गए कथन को p of n से व्यक्त करते हैं। चरण दूसरा, सिद्ध करते हैं कि दिया गया कथन n equal to 1 के लिए सत्य है, अर्थात p of 1 सत्य है। चरण तीसरा, मान लीजिए कि कथन n equal to k के लिए सत्य है, अर्थात p of k सत्य है। चरण चार, इसमें पिछला चरण अर्थात चरण तीन की सहायता से यह सिद्ध करेंगे p of k plus 1 सत्य है। p of k plus 1 सत्य सिद्ध हो जाने पर p of n n के सभी मानों के लिए सिद्ध हो जाता है। और इसकी कार्यविधि हम आगे प्रश्नों से देखेंगे और यह कुछ और स्पष्ट होगा। गणितीय आगमन के सिद्धांत से सिद्ध कीजिए कि कथन n के सभी धन पूर्णांक मानों के लिए सत्य है। इसमें पहला कथन दिया गया है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 ये अप टू 2n माइनस 1 ये n स्क्वायर होता है, ये हमें सिद्ध करना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि गणितीय आगमन का सिद्धांत से किसी सूत्र को सिद्ध करने की या क्रॉस चेक करने के लिए तीन अलग अलग चरण होते हैं, जिसमें पहले चरण में हम n इक्वल टू 1 के लिए उसकी सत्यता की जांच करते हैं। यदि वह सत्य होता है तो दूसरे चरण में हम यह मान करके चलते हैं कि दिया गया कथन n इक्वल टू m के लिए सत्य है। उसके बाद हमें एक सूत्र प्राप्त होता है और फिर तीसरे चरण में हम दिए गए कथन को m प्लस 1 के लिए सत्यता की जांच करते हैं। यदि दिया गया सूत्र m प्लस 1 के लिए भी सत्य है तो इस प्रकार हम कहते हैं कि जो दिया गया कथन है वह n के सभी धन पूर्णांक मानों के लिए सत्य है। तो चलिए इस प्रश्न के लिए हम लोग पहला चरण देखते हैं। स्टेप वन, n इक्वल टू 1 के लिए कथन का लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको 1 ही मिलेगा क्योंकि पहला पद 1 है, n इक्वल टू 1 रखेंगे ये देखिए, या फिर 2n माइनस 1 इसका एक जनरल टर्म है, व्यापक पद है, n इक्वल टू 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1 2 और 2 माइनस 1 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1। और इसी तरीके से इसका जो राइट हैंड साइड है इस पे n के स्थान पर आप 1 रख दीजिए तो 1 का स्क्वायर आपको मिल गया 1। तो इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि अतः दिया गया कथन n इक्वल टू 1 के लिए सत्य है। अब इसका जो स्टेप टू है इसे इंडक्शन स्टेप भी कहते हैं, आगमन के चरण भी कहा जाता है। तो यहाँ पर हम यह मान करके चलते हैं कि कथन जो है यह n इक्वल टू m के लिए सत्य है। अर्थात
एन के स्थान पर आप एम रख दीजिए तो आपको मिल जाएगा 1+3+5, ये अप टू जाएगा 2m-1 इक्वल टू एन के स्थान पर आपने एम रखा है तो आपको मिल जाएगा एम का स्क्वायर। अब स्टेप थ्री जो है इसमें हम एम प्लस वन के लिए इस कथन की सत्यता की जांच करेंगे, तो पी ऑफ एम प्लस वन ये इक्वल टू हो जाएगा 1+3+5 और 2m-1 और m के स्थान पर हमने रखा है m प्लस वन यहाँ पर, तो ये आपको मिल जाएगा 2 × m+1-1। आगे सरल करते हैं, 1+3+5 ये अप टू है 2m-1, इसको जब सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 2m+2-1, तो ये आपको मिल जाएगा प्लस वन। अब देखिए 1, 3, 5 इस तरीके से यह एक समांतर श्रेणी है और समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल निकालने का सूत्र हमें पता है जो कि होता है n/2 × 2a+n-1 × d। तो यहाँ पर कुल पदों की संख्या है m प्लस वन, ये फिर हो जाएगा अपॉन टू और फिर 2a+n-1 × d। आगे जब सरल करेंगे तो आपको मिल जाएगा m प्लस वन अपॉन टू और ये मिल जाएगा 2 + 1 - 1 कैंसिल और फिर ये प्लस 2m, या फिर इन दोनों से आप दो को कॉमन, दो को वैनिश निकाल करके आप कैंसिल कर सकते हैं तो आपको मिल जाएगा m प्लस वन और फिर m प्लस वन या फिर m प्लस वन का होल स्क्वायर। तो हम लिखेंगे कि इस प्रकार दिया हुआ कथन n=m+1 के लिए सत्य है। देखिए यहां पर हमने m प्लस वन के लिए इस कथन को आगे सॉल्व किया था और सॉल्व करने के बाद हमको मिल गया m प्लस वन का होल स्क्वायर। ये देखिए ये m के लिए कथन था और m प्लस वन के लिए हमने जब सॉल्व किया तो m के स्थान पर राइट हैंड साइड पर भी हमें m प्लस वन का होल स्क्वायर मिल गया। तो इसलिए हमने लिखा कि इस प्रकार जो दिया गया कथन है ये n=m+1 के लिए सत्य है। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से दिया गया कथन n के सभी पूर्णांक मानों के लिए सत्य है और यही हमें सिद्ध करना था। इसमें अगला कथन दिया गया है कि गणितीय आगमन के सिद्धांत से सिद्ध कीजिए कि कथन 1+4+7 up to 3n-2 = 1/2 × n × 3n-1 n के सभी धन पूर्णांक मानों के लिए सत्य है, यह हमें सिद्ध करना है। मान लेते हैं कि यह कथन p ऑफ n है और ये है 1+4+7 ये अप टू 3n-2 और ये इक्वल टू है 1/2 × n × 3n-1। तो जो स्टेप वन है इसमें हम टेस्ट करते हैं n=1 के लिए, तो n=1 के लिए कथन का लेफ्ट हैंड साइड तो ये जो पद दिया गया है इसका जो व्यापक पद है ये 3n-2 है, या तो दूसरे तरीके से आप n=1 अर्थात पहले पद के लिए ले सकते हैं, तो वैसे तो 1 मिल ही जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, या फिर इसमें आप n=1 पुट करेंगे तो 3 × 1 = 3, 3 - 2 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1। तो इस तरीके से जो दिए गए कथन के लिए n=1
का जो मान हमें 1 प्राप्त हुआ। और अब हम इसके राइट हैंड साइड पर चलते हैं, जहाँ पर n के जगह में आप 1 रख करके हम देखेंगे 1/2 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 1 3, 3 माइनस 1 2, 2/2 1। तो इस प्रकार हम लिखेंगे कि अतः दिया गया कथन n इक्वल टू 1 के लिए सत्य है। अब स्टेप 2 जो इंडक्शन स्टेप है, इसमें हम मान करके चलते हैं कि n इक्वल टू m के लिए दिया हुआ कथन सत्य है, अर्थात n के स्थान पर m लिख देंगे हम 1 + 4 + 7, और ये अप टू है 3m - 2 इक्वल टू 1/2 इंटू m इंटू 3m - 1। अब हम स्टेप 3 में पी ऑफ m प्लस 1 के लिए उसकी सत्यता की जांच करेंगे। तो स्टेप 3 करने के लिए इसमें हम मान लेते हैं कि ये समीकरण 1 है, तो आप लिखेंगे कि समीकरण 1 के दोनों पक्षों पर थ्री एम प्लस वन जोड़ने पर तो आपको मिल जाएगा 1 + 4 + 7, ये 3m - 2 प्लस 3m + 1। चूंकि यह कथन सत्य है तो दोनों पक्षों में निश्चित राशि को जोड़ने पर या समान राशि को जोड़ने पर इसकी सत्यता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हमने 3m + 1 दोनों पक्षों पर जोड़ दिया, तो इसका जो राइट हैंड साइड है इसको लेकर के हम सरल करते हैं 1/2। अब जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आपको मिल जाएगा 3m² - m, और चूंकि यहाँ पर 1/2 नहीं है तो लघुत्तम समापवर्त यहाँ पर 2 आया है, तो आपको मिल जाएगा 6m + 2। सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा 1/2 3m² + 5m + 2। अब ये एक m में एक वर्ग समीकरण की भांति दिख रहा है, इसको हम लोग गुणनखंड कर लेंगे 3m² + 3m + 2m + 2। 1/2 यदि प्रथम दो पद से यदि हम 3m कॉमन लें तो आपको यहाँ पर आएगा m + 1, और अंतिम दो पद में आप m कॉमन लेंगे तो आप आ जाएगा m + 1। तो इस तरीके से 3m + 2 और m + 1, इस तरीके से यह गुणनखंड हुआ। तो आप इसको आप लिख सकते हैं 1/2 m + 1 और 3 × m + 1 - 1। तो देखिए कि m के स्थान पर एग्जैक्टली हमें m + 1 मिल रहा है। तो इस तरीके से हम यह लिख सकते हैं दिया हुआ कथन n इक्वल टू m के लिए सत्य है। तो वह n इक्वल टू m प्लस 1 के लिए भी सत्य है, किंतु दिया गया कथन n इक्वल टू m के लिए सत्य माना गया है, अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से दिया गया कथन सत्य है, और यही हमें सिद्ध करने के लिए कहा गया था।